हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, फिर से आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक हॉल वीडियो लेकर। और आज रात ही स्पेशल हॉल वीडियो होने वाला है क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ ही गया है। अब तीज, राखी, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो मैंने सोचा आप लोग अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ रहे होंगे ऑनलाइन, तो क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कुर्ता सेट विद दुपट्टे का हॉल वीडियो लेकर आऊं। क्या है ना कि फेस्टिवल पर थोड़ा सूट वूट वाला लुक अच्छा लगता है, जीन्स टॉप वगैरह ये सब घूमने फिरने जाओ तभी अच्छे लगते हैं। बस सूट साड़ी यही सब फेस्टिवल्स पर अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए ऑनलाइन कुछ ढूंढने में। तो गाइज, आप लोगों को पता चल गया है कि आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ता सेट विद दुपट्टा दिखाने वाली हूँ। सारे ही सूट बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे हैं। अच्छा, प्राइस रेंज मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। आज का जो प्राइस रेंज है वो 679 से लेकर 859 तक है। थोड़ा सा कॉस्टली है, 850 रुपए तक जाएगा आज का जो प्राइस रेंज है। ओनली 4 कुर्ता सेट मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, ये 4 ऐसे हैं इनमें से आपको एक आध तो पसंद आ ही जाएगा क्योंकि सारे ही एंटिक पीस मैंने उठाए हैं। और आज का जो हॉल वीडियो वो फ्लिपकार्ट से होने वाला है गाइज, ये तो मेन चीज मैं बताना भूल ही गई। वैसे थंबनेल या टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का जो हॉल वीडियो वो हमारा फ्लिपकार्ट से होने वाला है। सारे ही सूट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं और बहुत ही अच्छे आए हैं, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे आए हैं। फ्लिपकार्ट मुझे लगता है मीशो से ज्यादा बेटर क्वालिटी देता है। वैसे मीशो पर भी अच्छे आते हैं, अगर थोड़ा भी इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा पैसे ज्यादा खर्च करो तो मीशो पर भी क्वालिटी अच्छी आती है। ऐसी बात नहीं है, मैं मीशो के हॉल बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो उस पर भी क्वालिटी अच्छी आती है। तो सारे कुर्ता सेट बहुत अच्छे हैं, कलर कॉम्बिनेशन A1 है। तो जल्दी से दिखाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे तो सबर नहीं हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए सारे कुर्ता सेट दिखाने के लिए। ट्राई ऑन जो है वो साथ साथ चलेगा और प्राइस में सबके आपको अलग अलग बता ही दूंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से जाके आप लोग देख लेना अगर आपको बाय करना हो तो। तो चलिए जल्दी से दिखाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे नहीं पता मैं कैसे वीडियो शूट करूंगी पूरा। बहुत ज्यादा मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पता है इतनी गर्मी में कैसे साड़ी वाड़ी पहन के बैठी हूँ। गाइज, मैंने सोचा, मन कर रहा था मेरा बहुत दिनों से, मैंने कहा साड़ी पहन के कोई वीडियो शूट नहीं किया है तो क्यों ना आज पहना जाए। इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों से साड़ी पहनी है, बस जल्दी से मेरा वीडियो कम्प्लीट हो जाए। तो गाइज, वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हमारा सूट है ये नेवी ब्लू कलर का, बहुत ही प्यारा सा सूट है गाइस विद दुपट्टा। सारे ही सूट आपको विद दुपट्टा ही दिखाने वाली हूं मैं आज, तो उड़ो नहीं यार। तो गाइस, ये है हमारा पहला सूट जो कि कुछ ऐसा है। ट्राई ऑन दिखाऊंगी उसमें आपको पता चल जाएगा अच्छे से, बहुत ही प्यारा सा सूट है। और कपड़े की बात करूं तो मैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मुझे पड़ा था 679 का। अगर आप रक्षाबंधन पे, राखी पे मतलब पहनो तो काफी अच्छा लगेगा। इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो इतना हल्का भी नहीं है कि ऐसा लगे आपको डेली वियर वाला नहीं है, थोड़ा लगेगा कि हाँ आप फेस्टिव वगैरह पर पहन सकते हो। तो ये देखिए एम्ब्रॉयडरी इसकी कुछ ऐसी हो रही है तार से, जो कि बहुत ही फिनिशिंग से हो रही है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है गाइस मुझे सच में। तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से इसकी तार से, गोल्डन तार से इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है और लहरिया वाला कपड़ा है। रेयॉन इसमें लिखा हुआ है लेकिन रेयॉन में थोड़ा सा मिक्स है, प्योर रेयॉन नहीं है। तो कपड़े की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, जो कि धुलने के बाद मुझे नहीं लग रहा ये श्रिंक होगा। मैंने तो इसमें एक्सेल साइज मंगाया है जो कि एक्सेल मुझे इसका बिल्कुल फिट आया है, मुझे कोई भी फिटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये चीज आप देख लेना कि वैसे मैं मंगाती हूँ एक्सेल तो वो लूज आता है मुझे, लेकिन इसका एक्सेल मुझे बिल्कुल फिट है। बल्कि मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा टाइट ही है, तो मैं सोच रही हूँ एक नंबर इसका यानी डबल एक्सेल ऑर्डर करूँ क्या करूँ, वरना ऐसे ही पहनती हूँ क्योंकि गर्मी में मुझे क्या है बिल्कुल भी चुस्त टाइट कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उनमें। सर्दी में एक बार को चल जाता, लेकिन गर्मी में मुझे थोड़ा लूज ही अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसका एक साइज मैं प्लस मंगाऊं। बाकी नीचे इसके कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, आपको ये पॉन स्लीव मिल जाएंगी, फुल नहीं है, यहाँ तक आपको इसकी स्लीव मिल जाएंगी। और काफी अच्छा लग रहा है, व्हाइट कलर की इस पे लहरिया है। और पैंट की बात करें तो गाइज इसकी ब्लू कलर की पैंट, जो कि बहुत अच्छा कपड़ा है, पैंट का बिल्कुल भी हल्की नहीं है और मुझे पैंट का कपड़ा बहुत अच्छा लगा।
और इसकी इलास्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। प्लस पॉकेट की बात करूं तो मैं एक साइड पॉकेट दे रखी है, देखिए गाइज इसमें एक साइड पॉकेट दे रखी है, और पैंट भी काफी कंफर्टेबल है, कपड़ा बहुत अच्छा है पैंट का। दुपट्टे की बात करें हम तो दुपट्टा ये ऐसा चुनरी छापे का इसका दुपट्टा है गाइज, काफी चौड़ा है, ट्राई ऑन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें मैं ढंग से नहीं दिखा पाऊं तो। ये देखिए काफी चौड़ा दुपट्टा है और ये सिल्वर कलर की, इस पे ऐसी लैस लग रही है, ये देखिए ऐसी लैस लग रही है चारों तरफ, हाँ चारों तरफ ही लग रही है। और ये दुपट्टा बीच में चुंदरी छापा है, मतलब बीच में चुंदरी प्रिंट है और साइड में ये इस टाइप की लहरिया है, तो सूट काफी अच्छा लग रहा है। 679 के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने मतलब राखी वाखी पर पहनो या तीज पर, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगी, ब्लू कलर है, क्योंकि तीज पर क्या होता है लोग ग्रीन कलर ज्यादा प्रेफर करते हैं, ग्रीन साड़ी ग्रीन सूट है, तो तीज पर मैं नहीं कहूंगी कि आप तीज पर पहनो, लेकिन हाँ आप राखी पर पहन सकते हो, काफी अच्छा सूट है 679 में, लिंक मैं दे दूंगी तो आप लोग चेक कर लेना। ओके सो गाइज हमारा नेक्स्ट सूट है जो कि बहुत ही प्यारा सा सूट है, ये है हमारा क्रीम कलर का, क्रीम और पर्पल कलर का खादी कॉटन कपड़े में विद दुपट्टा सूट, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सूट है और ये पर्पल कलर से ऐसी डिजाइन बन रही है। पहले तो ये ऊपर बन रही है नेक के पास, ठीक है, और फ्रंट में, और पूरा ये ऐसे करके बन रही है, आप ट्राई ऑन में अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे क्या एम्ब्रॉयडरी है, रेशम की एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही फिनिशिंग से काम किया है, ऐसा नहीं है कि आपका कहीं भी कोई धागा वागा निकल रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आप कौन स्लीव्स हैं इसकी, स्लीव्स पर भी ये देखिए ऐसा डिजाइन दे रखा है जो कि फ्रंट पर दे रखा है, और बैग जो है वो पूरा प्लेन है। दुपट्टे की बात करें बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, सिल्क का जो दुपट्टा होता है ना वैसा दुपट्टा है, पर्पल कलर का, इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा, ये देखिए गाइस बहुत चौड़ा दुपट्टा है, आराम से अगर सर पे रख के ओढ़ना चाहो तो आप सर पर भी रख सकते हो, वैसे भी फैलाकर हैंड फ्री करके पहन सकते हो, तो काफी अच्छा दुपट्टा है। साइड में ये इसके कुछ ऐसी दी हैं, ये समझ गए होंगे आप, तो दुपट्टा बहुत प्यारा है। और पैंट की बात करें तो ये क्रीम कलर की पैंट जिसमें नीचे भी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, ये देखिए, और पैंट काफी चौड़ा है इसका, तो कोई टेंशन नहीं है कि फटेगा या कुछ भी। और पॉकेट की बात करें तो एक साइड पॉकेट दे रखी है गाइस, चलो आज तो मैंने हाथ मान लिया, पॉकेट है सामने। इलास्टिक की बात करें, इलास्टिक काफी अच्छी है, जिसको भी इस कलर से प्रॉब्लम ना हो, मेरा तो छोटा बच्चा आया फिर भी मैंने मंगा लिया, बट अगर ये कलर ना इतना सुंदर लग रहा है गाइस पहनने के बाद, बस थोड़ा सा मुझे यही डर लग रहा है किचन में काम तो कर ही नहीं सकते, या फिर आप एप्रिन पहन के करो तो आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये गंदा होने का बहुत ज्यादा डर है इसमें, क्योंकि लाइट कलर है ना, बस यही रहता है लाइट कलर में, लाइट कलर है, व्हाइट कलर है, इनमें थोड़ा सा यही रहता है कि गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, और कोई भी स्पॉट पड़ गया ना तो पूरा सूट खराब लगेगा, तो ये चीज आप देख लेना। और जिसको भी लाइट कलर पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, सर ऐसा है कि थोड़ी बहुत देर पहनो और फिर रख दो, तो बस जिसको भी लाइट कलर पहनने में प्रॉब्लम ना हो वो आराम से इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, 759 760 रुपए का ये मुझे पड़ा था, जो कि मुझे लग रहा है कि काफी सुंदर सूट है, गर्मी के हिसाब से कॉटन का, प्योर कॉटन है गाइस, कॉटन बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट कॉटन है, खादी वाला कपड़ा है, तो गर्मी के हिसाब से काफी बेस्ट सूट है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, फिटिंग विटिंग सब कुछ मेरे बिल्कुल फिट आई थी, मैंने इसमें एक्सरसाइज ही मंगाया है, जो कि मुझे ना तो टाइट है ना लूज है, मतलब कुछ भी करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको आराम से एज इट इज यूं ही पहन सकती हूँ, तो बहुत अच्छा सूट है गाइस। नेक्स्ट सूट है हमारा ये, जो कि बहुत ही प्यारा सिंपल सा सूट है, जिसको भाई ज्यादा गर्मी लगती है मेरी तरह, वो तो ऐसे सूट आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि ये ना मेरे को बहुत अच्छा लगा इसीलिए कि यार नया मतलब एकदम डिजाइनर लग रहा है, और कलर इतना प्यारा है, गर्मी में इतना कंफर्टेबल रहेगा बहुत ज्यादा कि क्या बताऊं मैं, तो चलिए इसको दिखाते हैं। ये मुझे पड़ा था 620 रुपए का, हाँ ग्रीन कलर का ये 620 रुपए का मुझे पड़ा था, जो कि गाइस ये देखिए ऐसा है, ये देखिए काफी सुंदर सूट है, बीच में इसमें ये वुडन के जो है वो बटन लगे हुए हैं, चार बटन लगे हुए हैं, नेक का डिजाइन कुछ इस टाइप का है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बाकी ट्राई ऑन में समझ लेना। और पूरा सिंपल सा सूट है, काफी कंफर्टेबल सा, आप तीज स्पेशल सूट है ये, ग्रीन कलर का है गाइस, तो आराम से मतलब जिसको ज्यादा गर्मी वर्मी लगती है, काम नहीं होता है साड़ी वाड़ी में या जो भी है, तो वो आराम से इसको पहन सकते हैं गर्मी में तीज पर, और सावन है तो सावन में तो ग्रीन कलर
लोग बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं, तो आराम से आप इसको बाय कर सकते हैं। ग्रीन कलर का ये मुझे काफी अच्छा लगा, ग्रीन भी जो है वो पैरट कलर है तो काफी सुंदर लग रहा है। और पैंट की बात करें तो पैंट इसकी कुछ ऐसी है लहरिया टाइप की, और पॉकेट की बात करें तो पॉकेट इसमें गाइज एक भी नहीं दे रखी है इसमें, हाँ एक भी पॉकेट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो पैंट इसकी कुछ ऐसी है, और इलास्टिक की बात करूं तो काफी टाइट अच्छी इलास्टिक है, और ये चीज भी काफी चौड़ी है इसकी, तो कंफर्टेबल रहेगा, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगाना। मैंने जो अपना साइज मंगाया है वो बिल्कुल ठीक है, ये हल्का सा मुझे लूज भी है। कॉटन के दुपट्टे गर्मी में मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, पसीना पसीना पहुंचने के काम आते हैं, आराम से पहुंच लो पसीना, तो कॉटन का दुपट्टा है गाइज, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा सूट। दुपट्टा भी डिजाइन का है, मुझे लगा पूरा ऐसा है लहरिया ऐसा दुपट्टा है, ये देखिए ये ऐसा दुपट्टा है सीधा के तरह, ये है सीधा, हाँ ये देखिए गाइज साइड में ऐसी डिजाइन बन रही है और बीच में ये लहरिया का काम है, तो काफी सुंदर है। 620 रुपए में आपको विद स्टिचिंग विद दुपट्टा सूट मिल रहा है, क्योंकि सूट लो पहले तो चलो सस्ते से सस्ता मैं तो कह रही 500-600 का कॉटन का सूट आ जाएगा, फिर 300 रुपए उसमें सिलाई दो तो उससे अच्छा ये रेडीमेड ही ले लो, और रेडीमेड की तो बात ही अलग आती है, ठीक है कभी टेलर लोचा कर देते हैं इधर से ढीला इधर से टाइट ये वो, और रेडीमेड की फिटिंग एकदम मस्त आती है, काफी अच्छा सूट है गाइस, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये। तो ये है कुछ, ये है रेड, रेड नहीं मेहरून सा कलर है गाइस, बहुत ही सुंदर कलर है, मैं तो कह रही हूँ रक्षाबंधन के लिए इसे ले ही लेना। और ये है हमारा 850 रुपए का, 860 रुपए का मुझे ये पड़ा था। अच्छा गाइज ये ना तो कॉटन है ना रेयोन है, बहुत ही प्यारा मखमली वाला जो होता है ना वो वाला सिल्क वाला कपड़ा है, बहुत लाइट वेट है कि पहनने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कुछ वेयर भी किया है। तो ये देखिए कुछ ऐसा है, इसके फ्रंट में ये ऐसी डिजाइन बन रही है और छोटी छोटी बूटी हो रही है, तार से इसका एम्ब्रॉयडरी हो रही है तार से, ठीक है कुछ इस टाइप की, मैं आपको करीब से दिखा दूं तो ये कुछ ऐसी इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है। स्लीव्स की बात करें तो इतनी आपको स्लीव्स मिल जाएंगी, और स्लीव्स पर भी ये देखिए ऐसा डिजाइन हो रहा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। कपड़े की बात करें बहुत सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है, 860 रुपए का ये मुझे पड़ा, थोड़ा सा हाँ कॉस्टली है, आज का हॉल अफोर्डेबल नहीं कहेंगे, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन गाइज वही है ना कि आप पैसे खर्च करोगे तो आपको चीज अच्छी मिलेगी, तो मतलब ऑनलाइन स्टिचिंग ऑनलाइन घर पे बैठ के आपकी चीज आ रही है, प्लस स्टिचिंग की हुई विद दुपट्टा आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है इतने रुपए में ठीक है, आप मार्केट जाओ 1000-1500 रुपए से आपको कोई भी ढंग का सूट नहीं मिलेगा, तो मुझे काफी अच्छा लगा इसका। कपड़े पे मैं फिदा हो गई, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है। एंड पैंट की बात करें तो गाइज इसका जो पैंट है वो ये देखिए जो टेलर जैसे बनाते हैं ना बिल्कुल वैसा पैंट है, आगे से ये ऐसा बेल्ट वाला, पीछे इसमें इलास्टिक दे रखी है ये देखिए, और पॉकेट की मैं बात करूं तो पॉकेट भी है एक साइड, ठीक है पॉकेट है दूसरी साइड नहीं है, एक साइड ही पॉकेट है। और पैंट इसका थोड़ा हाँ प्लाजो टाइप का है, लूज है ये देखिए इतना चौड़ा है, बाकी जो इसका ऊपर का एरिया है वो काफी चौड़ा है, तो मुझे लग रहा है काफी कंफर्टेबल है, एक्सेल साइज है, मुझे लूज है तो मुझे फिटिंग करनी पड़ेगी। दुपट्टे की बात करो तो बहुत ही प्यारा सा इसका दुपट्टा है, इस कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है, मेहरून के साथ क्रीम का कॉम्बिनेशन, लेस लगी हुई है चारों तरफ, शिफॉन का कपड़ा है गाइस दुपट्टे का, चौड़ाई ये देखिए इतनी चौड़ाई है, बाकी आपको ट्राई ऑन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। गोल्डन कलर की छोटी 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 बिंदी लग रही है, जो नथ की बिंदी हम लगाते हैं ना वो वाली बिंदी लग रही है, तो दुपट्टा भी काफी सुंदर लगा मुझे इसका 860 रुपए में, बहुत ही प्यारा सा सूट है गाइज, पहनने के बाद ना मतलब मैं इसमें बहुत पतली सी लग रही थी, तो मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं जो जिसमें हम पतले लगते हैं, यू नो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। पसीना देखिए आपको दिख रहा होगा, मुझे मालूम है मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ, आज भयंकर वाली गर्मी है, इतनी तेज धूप निकल रही है जबकि सुबह के 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और गाइज भयंकर वाली धूप, इतनी तेज धूप निकल रही, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे साड़ी में, तो बस वीडियो खत्म होने के बाद मैं पहले चेंज करूंगी सबसे पहले फिर कुछ करूंगी। तो गाइज यही था हमारा आज का हॉल वीडियो, ओनली 4 पीसेस ही थे लेकिन चारों पीस मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो और मेरा आज का कलेक्शन अच्छा लगा होगा, सारे सूट के लिंक मैंने दे दिए हैं सो आप लोग चेक कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग क्या देखना चाहते हैं इस पर कमेंट करना, आप लोगों को मेरे हॉल वीडियो अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने देखा है मैंने नोटिस किया है मेरे ब्लॉग से ज्यादा मेरे हॉल वीडियो पर व्यूज सही आ जाते हैं,
तो मैं सोचती हूँ कि हॉल वीडियो आपके लिए लाती रहूँ एक आध करके। थोड़ा मुश्किल हो जाता है हॉल वीडियो लाना, क्योंकि बहुत सारा सामान मंगाना पड़ता है, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं इसमें मेरे, क्योंकि अभी मेरी इनकम तो स्टार्ट हुई नहीं है यूट्यूब पर। आप लोगों को पता है, जब होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हॉल वीडियो लाना, इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग पर भी प्यार दो, ब्लॉग भी देखो, तो ताकि एवरेज हो जाए दोनों क्योंकि मुझे लगेगा कि चलो ब्लॉग्स भी लोग देख रहे हैं तो मैं ब्लॉग भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करूं। अब यही हो जाता है, मैं सोचती हूँ हॉल वीडियो क्या बनाऊं, अब ये मंगाऊं वो मंगाऊं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी में बैठ के वीडियो शूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें दूसरे रूम में लोकेशन ही नहीं है। मैंने इसी रूम में लोकेशन बना रखी है और इसमें एसी नहीं है, अभी कोई ऐसा स्टूडियो तो मैंने सेटअप कर नहीं रखा है। तो धीरे 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 जैसा होगा मैं करती जाऊंगी इम्प्रूवमेंट, बट मुझे लगता है कि मैंने पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि आप मेरे पहले के वीडियो देखो और मेरे अब के वीडियो देखो तो मुझे भी लगता है कि हाँ मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। धीरे धीरे और करूंगी और सीखूंगी। ऐसे ही गाइज मेरी वीडियो को प्यार देते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ताकि बहुत ज्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें। अभी उस हिसाब से व्यूज नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, वीडियो बनाती रहूंगी, क्योंकि मेरे अंदर ना पेशेंस बहुत है, बहुत ज्यादा पेशेंस है मुझे ऐसा लगता है। और कोई होता ना तो अब तक गिव अप कर देता कि यार कुछ नहीं हो रहा, अब बस करो, लेकिन मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ, मुझे पता है मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज, एंड जल्दी मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे दिमाग पे गर्मी चढ़ रही ना तो बुरा हाल हो जाएगा तो इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पर एंड। और कौन सा आपको सूट अच्छा लगा उसके लिए कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, बाय।